ओम शांति। 9 जनवरी 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न, अतींद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, पहला, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो, मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतींद्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अन आर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अन आर्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अन सुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे, फिर 84 जन्म के बाद अन सुधरे बनते हैं। जो ऊंचे ते ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह तो विराट नाटक है, तुम जानते हो। हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं, कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है,
यह सतयुग, यह कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना? यह एडॉप्टेड बच्चे हैं। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना? देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिकर भीतर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिकर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता है महारानी, महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना? तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं, यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं, वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं, यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड, भोजन मिल रहा है, यह तो सबको समझाने की बातें हैं। डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था, सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले हैं या नहीं? यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतिंद्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई,
भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी हैं, उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते, वह क्या धारणा करेंगे? याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है, तब तक विनाश हो न सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु यह रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे, बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है, भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे, तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे, उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां होना, यह है ब्रह्मा। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रही हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहां कहां दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं, हम ही सिर ताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए, तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी भव। माँ मेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है। सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात,
जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं, अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंच ते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है, कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है, देवताएं तो मत देते नहीं। मनुष्य से देवता बन गए बस खलास, वहां गुरु आदि भी नहीं करते। यहां मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है, हम हैं राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके, वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सकें। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतिंद्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को
उंगली पर उठाना है इस छीछी दुनिया को, जिन्होंने पवित्र बनाया यह उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती हैं, इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो। हरेक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.